गोला मार के तब निकल गए। तीन गोली में लगा हुआ, तीन गोली लगा हुआ, देखे नहीं आप? ऐसा एक गोली पूछताछ के लिए नगर थाना लाया जा रहा था, परंतु ये गाड़ी से धक्का देकर पुलिस जवान को धक्का देकर भागने लगे। पुलिस के द्वारा कुछ चलाई गई है, ये घायल हुए हैं, फिलहाल इनको इलाज के लिए अस्पताल। क्रॉस फायरिंग भी हुई थी या सिर्फ एक तरफ से फायरिंग हुई है सर? अभी हम लोग इसका काम कर रहे हैं। यहाँ पोस्टमार्टम में तो दो अपराधी को लाया गया, सुबह जो हमारे फोर्स को गोली मार दिया था उसी क्रम में इन लोग भागने क्रम में इन लोग को इनकाउंटर हुआ और ये लोग मारे गए हैं, इसलिए पोस्टमार्टम लाया। जांच चल रही है। हाँ, बाहर के लोग हैं, गया के लोग हैं, क्या मनसब मकसद था हमें नहीं मालूम है, तो पता कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे। कौन लोग ऐसे? गया के लोग हैं, अभी नाम पता हम लोग बताएंगे, आप शेयर करेंगे। बिहार के हाजीपुर में एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ पुलिस ने इनकाउंटर में दो बदमाशों को मार गिराया है। यह दोनों बदमाश जो है कि पुलिस कर्मी को भी हत्या कर दिया था। जो सुबह सुबह खबरें आई थी कि सराय थाना क्षेत्र में जो बैंक लूटने के नियत से बदमाश इको बैंक के पास खड़े थे, जो सराय थाना क्षेत्र के बाजार में स्थित है, जहां पे पुलिस की गाड़ी देखकर सभी बदमाश भाग निकले थे, लेकिन पुलिस ने पीछा करते हुए दो बदमाश को धर जबोता था, जिसमें तीसरे बदमाश ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया था, जिसका खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। किस तरीके से जो बदमाश जो है पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती है, चार गोली मारकर मौत के घाट उतार देती है, भाग जाती है, लेकिन उसमें दो बदमाश जो है पकड़ा गया था जो गया जिले के रहने वाला थे, एक बिट्टू हर दूसरा जयप्रकाश है। दोनों को पूछताछ के लिए हाजीपुर नगर थाना पुलिस लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में एक घोसवर में दोनों ने भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने इनकाउंटर किया और दोनों को मार गिराया है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो बदमाश मरे गए हैं जिनके मजिस्ट्रेट के तैनाती में उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, और जो ड्यूटी पर तैनात जो सिपाही कर्मी जो शहीद हुए हैं उनका नाम अमिताभ वचन बताया जा रहा है, जो मुंगेर जिला के रहने वाले थे, उनका गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है पुलिस लाइन में, और उनका पार्थिव शरीर को उनके गृह जिला भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है जिसमें जो सीसीटीवी जो सामने आ रहा है जिसमें छः बदमाश दिख रहे हैं, पुलिस फिलहाल दो लोगों को इनकाउंटर में मार गिराया है और सभी बचे हुए अपराधियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। यह फिलहाल बड़ी कार्रवाई जो सामने आई है बिहार के हाजीपुर से, पुलिस ने इनकाउंटर में दो अपराधियों को मार गिराया है। एबीपी न्यूज़, राजा बाबू, हाजीपुर।